my dear friends and family, many, many wishes for a Merry Christmas and Happy New Year. वैसे तो अभी हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर आने तक हमारी बीच में बातचीत होनी चाहिए और वीडियोस और आनी चाहिए रिगार्डिंग रिगार्डिंग एनीथिंग. बट आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, दिस इज़ फॉर द इक्लिप्स. टुमारो जो कल जो इक्लिप्स आने वाला है, जो सूर्य ग्रहण कल सोलर इक्लिप्स है, उसके बारे में है. तो जैसे कि आपको पता है कि मैं एनर्जीज़ के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, रिगार्डिंग कि हम एनर्जीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं. एनर्जीज़ के बारे में मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूँगी. आई नो बहुत लोगों को इस बारे में पता भी होगा, बट कि एनर्जीज़, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एनर्जीज़ को आप यूज़ करें, इसको ये क्रिएट हो रही हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट डज़ आई मीन बाय दैट थिंग कि एनर्जीज़ क्या होती हैं और कैसे यूज़ करना चाहिए. दिस आई विल एक्सप्लेन थ्रू वन एग्जांपल. जैसे कि वेदर फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट में आपको ये बात पता चलती है कि आज सपोज़ वेदर फोरकास्ट हुआ जिसमें यह है कि आप अपने घर में रहिएगा क्योंकि बहुत ओले पड़ने वाले हैं और बहुत सारी तूफ़ान आने वाले हैं. तो दिस इज़ अ फोरकास्ट. अब क्या होता है कि एक नेचर में एक एनर्जी क्रिएट हो रही है जो कि डिस्ट्रक्शन की है, जिससे कि काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकता है. बट इट टोटली डिपेंड्स कि अगर आपका घर अच्छा है, आप अच्छे घर में, मतलब पक्के घर में रहते हो, तो आप अंदर बैठ के चाय पियोगे, अपने घर के अंदर बैठ के चाय पियोगे और आपको पहले से ही पता था, तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी सब घर के अंदर ही हैं, आप टेंशन में नहीं हो कि मेरा बेटा घर के बाहर है, पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसे होगा. यू ऑल आर सिटिंग इनसाइड एंड यू आर एंजॉयिंग कि बाहर ओले पड़ रहे हैं और आप उसको इंजॉय कर रहे हो. दूसरा वो बंदा है जिसका घर इतना अच्छा नहीं है और उसको वो उस टाइम के तूफान से ये टेंशन लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि मेरी चीज़ें और ख़राब ना हो, जितनी हो गई सो हो गई, बट नाउ मैं इससे ज़्यादा इसको ज़्यादा लंबा होगा तो मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी. पर और एक फिर वो लोग हैं जिनके जिनको कि इस तूफान से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, जो देवर नॉट रेडी, जिनकी तैयारी नहीं थी या जिनके पास सोर्सेज नहीं थे अपने आप को उस सिचुएशन से बचाने के. तो दिस इज़ द सेम थिंग. एनर्जी स्पेस में क्रिएट होती रहती है, किसी दिन बहुत अच्छी, किसी दिन थोड़ी ख़राब, किसी दिन बहुत पावरफुल, और वो हर बंदे को वैसे ही इफ़ेक्ट करती है जैसे उसकी तैयारी होती है. एंड आई ट्राई टू टेल यू दैट थिंग्स. अभी मैं सिर्फ आपको न्यू मून और फुल मून के बारे में ही मोस्टली बताती हूँ कि फुल मून वाले दिन कैसी एनर्जी और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अमावस्या वाले दिन यानी कि न्यू मून वाले दिन कैसी एनर्जी है जिसको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. बट ये इक्लिप्स आया है, इक्लिप्स इज अ पावरफुल, कैरिंग ए पावरफुल एनर्जी. इसमें बहुत पावरफुल एनर्जी है जो कि हमारी लाइफ में ऑब्वियसली इसमें डिस्ट्रक्शन भी होगा, क्योंकि ग्रहण जो है वो इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. बट इवन देन इसके पीछे जो हिडन मैसेज है, जो कि हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी भी ला सकता है, कुछ नहीं बहुत पॉजिटिविटी ला सकता है, तो आप उसके बारे में सोचें बजाय कि जो जो ग्रहण हमारे लिए नेगेटिव मैसेजेस लाया है और जो पॉजिटिव मैसेज लाया है. आप उस क्राउड में से निकल के जो कि उस तरफ देख रहे हैं जो कि नेगेटिविटी है, उसकी बजाय आप इस तरफ आ जाएं जो कि पॉजिटिविटी का मैसेज इस इक्लिप्स के अंदर है. सो जैसे कि ये इक्लिप्स जो है एंड ऑफ द डिके, इस डिकेड का लास्ट ग्रहण है. तो डिकेड मतलब 10 साल का लास्ट, मतलब अब ये 2019 है, अभी 2020 हो जाएगा. तो लास्ट है, लास्ट का मतलब एंडिंग, एंडिंग का मतलब जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है जो कि आपकी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ों को ख़त्म कर सकती है. तो अगर हमें किसी चीज़ को ख़त्म करना हो तो हम कौन सी चीज़ों को ख़त्म करेंगे? लाइक अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आपको ये अच्छा टाइम मिला है कि आप उस पेन से
को लेट गो कर दें, उस पेन को अपनी बॉडी से निकाल दें, उस डिस ईज को अपनी बॉडी में से निकाल दें जो कि आपको परेशान करती है। अगर आपका कुछ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो उस रिलेशनशिप में जो पेन है आप उसको निकालने की कोशिश करें, कि हाँ बजाय इसके कि आप टारगेट करें कि वो रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाए, अगर आप उस पेन की तरफ फोकस करके उसको रिलीज करने के ऊपर अपनी एनर्जी लगाते हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। तो हमें क्या करना है, अब हमें एक लिस्ट बनानी है, ऐसी चीज़ों की लिस्ट जो कि हम अपनी लाइफ में से निकालना चाहते हैं। अगर मान लो आपको अपनी लाइफ में से पावर्टी या पैसे की कमी या क्राइसिस ऑफ मनी को निकालना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि आई वॉन्ट टू रिमूव, मैंने सेंटेंसेस लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए, लाइक आई विल रीड इट आउट, कि जैसे कि आपको लिस्ट बनानी है सिचुएशंस की यू डोंट वांट इन योर लाइफ। फॉर एग्जांपल एनी रिलेशनशिप विच इज़ होल्डिंग पेन, तो आपको उस पेन को लेट गो करना है। सो यू हैव टू राइट डाउन आई लेट गो ऑल द पेन्स आई एम हैविंग इन दिस रिलेशनशिप। दिस की जगह आप उस रिलेशनशिप का नाम दे सकते हो कि हाँ इन इन दिस रिलेशनशिप दिस इज़ अ ब्लैंक, आप वहाँ पे उस रिलेशनशिप का नाम लिखो कि उससे जो भी पेन आपको मिलता है आप उसको लेट गो रिलीज करना चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू रिलीज एनी फिजिकल पेन या डिसीज को आप रिलीज करना चाहते हो तो आप लिखोगे आई लेट गो डैश, मतलब जो जो भी डिस्कम्फर्ट है, कि लेग पेन है, नी पेन है, कोई बड़ी बीमारी है, तो डिस्कम्फर्ट इन माई बॉडी, तो आप वो लाइन लिखोगे। इफ़ यू वॉन्ट टू इफ़ यू हैव मनी क्राइसिस राइट आई लेट गो मेटलिस्टिक और मनी क्राइसिस फ्रॉम माई लाइफ, कि जो भी चीज़ों की कमी या पैसे की कमी मेरी लाइफ में है मैं उसको लेट गो करती हूँ। तो आपको इस तरीके से लिस्ट बनानी है जो कि आप आज ही बना के रख सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे जब ग्रहण चल रहा होगा दैट इज़ नॉट दैट बिग टाइम, और आप इस चीज़ में उलझ के रह जाओ, इससे बेटर है कि आप ये लिस्ट आज ही बना के रखो जो जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में से हटानी है। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रिलेशन का नाम लिख दो कि मुझे ये रिलेशन इतना तंग करता है तो इसका ही नाम लिख दूँ, बिकॉज दिस इज़ अ पावरफुल एनर्जी, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। तो आप हस्बैंड या किसी रिलेशनशिप जो कि आपको परेशान करता है उसके पेन को लिखो कि मुझे ये पेन इस रिलेशनशिप से मिलता है तो मुझे इस पेन को हटाना है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंडिंग, हम उन चीज़ों की एंडिंग कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, वी आर जस्ट रिमूविंग दैट ओल्ड स्किन। जो आपने आपको पता है जैसे कि सांप भी अपनी कांचली को बदलता है, तो दिस इज़ अ टाइम फॉर ह्यूमन बींग टू टेक ऑफ द स्किन, जो स्किन उनको नहीं इतने टाइम से हमने पहन के रखी थी और हम नहीं चाहते अब उसके साथ अपनी और ज़िंदगी को बिताना, तो दिस इज़ अ टाइम कि हम उसको शेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने वो चीज़ें तो हटा दी जो हमें नहीं चाहिए, अब क्या है, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ शुरू भी होती है, तो इट मीन्स कि ये जहाँ एक एंडिंग का टाइम है वहाँ एक नई शुरुआत का टाइम भी है। तो अब एनर्जीज जो हैं वो दोनों तरह की हैं यहाँ पे, एंडिंग एज वेल एज बिगनिंग। तो हमें बिगनिंग के लिए भी अपने अपनी अपनी मतलब कि डिमांड्स रखनी चाहिए कि हमें आगे और क्या चाहिए। जैसे कि आप शॉपिंग करने जाते हो और अगर आप लिस्ट बना के जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो बहुत इजी होता है, पैसे कम लगते हैं और मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर आपकी लिस्ट नहीं बनी हो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो फिर क्या होता है कि जहाँ 500 का सामान लाना है वहाँ 5,000 का ही सामान आ जाता है, बिकॉज़ यू आर नॉट अवेयर कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ बिगनिंग। अब हम एक और ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि हम उन चीज़ों का नाम लिखेंगे या उन चीज़ों को लिखेंगे जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। इसमें भी मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि इफ़ यू नीड मनी तो आप लिखोगे आई एम अबंडेंट एंड प्रॉस्परस, कि मेरे पास पैसे हैं और मैं बहुत रईस हूँ। और एटलीस्ट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके पास पैसे हों या ना हो, कभी अपने मुंह से ये बात मत बोलो कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि जब आप कोई बात बोलते हो जो साउंड आपके अंदर से निकल रही है, हम जो भी बात बोलते हैं वो हमारे कान के थ्रू अंदर नहीं जाती है, वो अंदर अंदर के अंदर ही माइंड उसको सुन लेता है, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है।
तो जो भी नेगेटिव वर्ड हम नॉर्मली आजकल ये देखते हैं कि हम बच्चों को डराते हैं कि पुलिस आ जाएगी, तुम खाओगे नहीं तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, टीवी ज़्यादा देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, वी आर टेलिंग देम कि ये करोगे तो ये होगा। आप अगर उनको कोई भी रीज़न दे रहे हो, बच्चों को भी कुछ भी समझा रहे हो, तो एटलीस्ट नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों को एग्जाम्पल रख के उनको बातें मत समझाओ, क्योंकि वो उनको एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही देने वाला है लाइफ में। तो आप कुछ भी उसका कुछ भी निकालो कि अब जैसे मेरी बेटी है आईपैड देखती है, तो मैंने उसको यही बोला है कि अगर आप आईपैड ज़्यादा देखोगे तो आपकी सुपर पावर्स चली जाएंगी। मैंने उसको ये नहीं बोला कि आंखें खराब हो जाएंगी या ये हो जाए, इवन शी इज़ वॉचिंग, बट जिस दिन उसको लगता है कि हाँ आज मुझे मेरी पावर्स चाहिए, तो वो उस दिन थोड़ा कम देखती है या नहीं देखती है। तो आप पॉजिटिव चीज़ों को यूज़ करके भी बच्चों को सही डायरेक्शन दिला सकते हैं। मीन्स दिस इज़ नॉट दैट टॉपिक जिस बात कर रहे थे। तो अच्छा, अब नेक्स्ट था कि इफ़ यू नीड हेल्थ तो आई एम फिट एंड हेल्दी। आप ये लिखोगे कि आई एम फिट एंड हेल्दी, ठीक है। इफ़ यू नीड लव तो आप लिखोगे आई एम लव्ड बाय ऑल अराउंड मी एंड आई एम ओपन टू रिसीव लव एंड गिव लव, ठीक है। और इन चीज़ों को लिख के आप कहीं पे भी फोल्ड करके उस पेपर को रख सकते हो, ऐसी जगह रख सकते हो जहाँ कभी 8-10 दिन में आपको वो नज़र आए तो आप उसको दोबारा पढ़ लो। एंड बी वेरी जेंटल, आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो उनको यही सोच के लिखना कि वो 100% पूरी होने वाली हैं। अगर आपने ये काम ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स उस टाइम पे किया है जबकि एनर्जीज पीक पे होंगी, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ अ टाइम जो कि बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है, जो लोगों को अवेयरनेस देगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अब हम न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो जो कैप्रिकॉन है उसकी डिग्री 4 डिग्री पे, वो 4 डिग्री पे है जब ये इक्लिप्स लग रहा है। तो 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग्स। जब किसी चीज़ को हमें स्टार्ट करना है तो हमें पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर हम पीछे छोड़ देंगे तभी हम नई स्टार्ट नई उसमें जा पाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को छोड़ दें, मतलब उनको ये ना रखें कि ये शायद कल को काम आएगा। अगर आपने किसी भी चीज़ को 6 महीने से साल से नहीं यूज़ किया, जस्ट लीव इट, किसी और को दे दो। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल थिंग्स, आपके घर में अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि ये अब मैंने यूज़ नहीं की, आप दे दो, वो कभी काम नहीं आने वाली हैं। और जब आप इन चीज़ों को दोगे तो नई चीज़ों की जगह बनेगी और फिर वहाँ नई और अच्छी चीज़ें आएंगी। दिस इज़ द थिंग कि आप घर की तरफ ले रहे हो, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी है। अगर हम पुराने लोगों के साथ मन मुटाव को अपने दिल में रख के बैठेंगे तो हमारे लिए अच्छी चीज़ें, जो अच्छे गिफ्ट्स हैं, जो अच्छी एनर्जी है, वो उसको जगह नहीं मिलेगी और वो कैसे आएगी फिर। तो इसीलिए कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ करो जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करके स्पेस बनाओ अपने अंदर और इमीडिएटली उस चीज़ को फिल अप कर दो कि हाँ मेरे मुझे ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम वेन यू कैन यूज़ इट, कि ये जा भी रहा है और वो आ भी रहा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे 4 की मैं बात कर रही थी, 4 डिग्री पे ये इक्लिप्स हो रहा है। तो इसमें क्या है कि वर्क, स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन जो मैं हम बात कर रहे हैं कि जो हम लिस्ट बनाएंगे पॉजिटिविटी, उसको मैनिफेस्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एट दैट मोमेंट अवेलेबल है। और हम अवेयर हो जाएंगे ज़्यादा, हम अपने आप को फ्री कर पाएंगे। जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे और पुराने मन मुटाव को हटा देंगे तो ऑब्वियसली हम फ्री भी हो जाएंगे, हमारी इंट्यूशंस बढ़ जाएंगी। और दिस इज़ अ टाइम कि इक्लिप्स को आप अलाउ करो कि वो आपकी लाइफ में उन पॉजिटिव चेंजेस को लाए जो आप चाहते हो। तो फॉर दैट यू हैव टू सरेंडर। सरेंडर का मतलब कि आप एक ट्रस्ट के साथ इस काम को कर रहे हो कि हाँ ये एनर्जी है, ये मेरे पास आई है और ये मेरे लिए काम करेगी। एनर्जी जो सन से मून से निकल रही है वो मुझे हेल्प करेगी पुरानी चीज़ों को छोड़ने में और नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए।